और आज टीम इंडियन आइडल उन्हें और उनके संगीत को खुशी खुशी सेलिब्रेट करेगा। इस हफ्ते लता जी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनकी चमकती और अनमोल आवाज की महक को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ हैं द लिविंग लेजेंड, जिन्होंने लता जी के साथ ही अपने करियर की पहली फिल्म का पहला सुपरहिट गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिया। लता जी ने जिन म्यूजिक डायरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा गाने गाए हैं वो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से द जेम ऑफ अ कंपोजर प्यारेलाल जी हमारे साथ हैं। अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर हिम। हमारी सरस्वती माँ दीदी जो सासुरों की रानी, हमने हमारा बचपन वहीं निकाला है। हमने सीखा मतलब वायलिन सीखा है और फिर कंपोजिशन। लेकिन हमने काम जब शुरू किया था उस टाइम एज थी 9 साल की। 9 साल की उम्र में मैं इनका दर्शन किया, 5 हुआ था। वो आशीर्वाद जो मुझे हमको मिला, लक्ष्मी को भी मुझे भी, वो जिंदगी भर है। और मैं हमेशा सुबह उठता हूँ और रात को सोता हूँ तो दीदी का नाम लेके सोता हूँ। दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए। आते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट को। अगले हफ्ते फाइनली दिखेगा जिनका सीक्रेट दीवाना। Chica
इन्होंने बहुत ही खूबसूरती साउंड सिंगिंग वर्ड्स ब्यूटीफुल लिया है. गॉड ब्लेस. थैंक यू सर. जिन्होंने लता जी को साक्षात सामने सुना है, गाने उनके साथ बैठ के कंपोज किए, उनके उनको गवाया है, उनसे आपको तारीफ मिल जाए तो और क्या चाहिए. दो एकदम अलग स्टाइल के गाने हैं, होंठों में ऐसी बात में देर इज डांस, देर इज क्या बोलते हैं, पुकार है इसमें, मतलब इजहार है. और उसमें मतलब क्या, जिस तरह से होंठों पे ऐसी बात, वो होंठों पे ही उन्होंने मतलब जान ले ली. होंठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात. क्या बात है, मतलब वो एक शब्द में बात खत्म. और बाहों में चले आओ, ऑल यू नो अभिनय एक्टिंग, बाहों में चले आओ, नजाकत है, फेमिनिनिटी की, मतलब इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट. I think somewhere I feel, you know, Lata ji also was an actor when she started. She was very small. I think मैंने जहाँ तक मुझे मालूम है, पढ़ा है मैंने उनके बारे में, 13 साल की उम्र से उन्होंने शुरू किया स्टेज एक्टिंग, फिर उन्होंने फिल्म में काम किया. तो I think वो जो एक combination है of गाना acting ही है ultimately. तो आप में भी वो कहीं ना कहीं है, एक एक्टिंग का तो दिखता है मुझे. सो वो आपके गाने में भी आ रहा है. क्या बात है, कमाल. थैंक यू सो मच. किसी का अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता. इस पे खत्म बात. चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को. मिली देश को इस डेकेड की सिंगर सबसे खास, सर्वगुण संपन्न, लता जी की दीवानी शेजूति दास. शीशा हो या दिल कितने दिल तोड़े.
आज लक्ष्मी जी की याद आ रही है सब। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। ये सब बातें जो है ना सब लक्ष्मीकांत जी ने की हुई है, बता रहा हूँ आपको। आज अनिता झा जो गाना है जी सर, हम सोचते थे कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारी दीदी एक कैमरा तो आए, खासकर हेलेन जी ने खुद कहा था कि आपने कैसे सोचा, कैसे आप लोगों ने। अभी आप खुद गौर कीजिए, दिन तक डी माइनर दा तू देखे ना हमारे दीदी और लक्ष्मीकांत जी ने ये चार चांद लगा के दिखाया, जो सच बोल रहा हूँ आपको, कितना अच्छा लग रहा है। क्या बात, तो संगीत में कोई एंड कुछ नहीं है, बहुत अच्छा। क्या बात, क्या बात। थैंक यू। मैंने बहुत शोज प्यारे भाई के साथ किए, प्यारे भाई के साथ टाइम भी बिताया है। बहुत कम ऐसा होता है कि गाना चलते वक्त प्यारे भाई मेरी तरफ देख के कहते हैं अच्छा गाती है। अभी अंकल कह रहे थे कि उन्होंने गाने बनाए और लता जी एलिवेटेड दिस सॉन्ग्स टू अनदर लेवल। जब वो माइक पे जाती थी तो मतलब शेरनी के जैसे गा के आती थी, लाउड नहीं बट आप देखो, आप सुनो इन गानों को तो खुली हुई आवाज़ लग रहा है सिंपल, लेकिन कितना कुछ कर गई इतनी सी लाइन में। This was Lata ji. She is going to be like that. Rock star. In my opinion, she is a rock star. Sanjuti, tumne mausam badal di. तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को। माधुरी दीक्षित ने दी जिनको अपनी कसम, कूल ड्यूड, सेक्सी शिवम। बिना रोए नहीं सुन सकती। तो
दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना जचता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता
क्या बात है, खूब भालो। बहुत अच्छा। जो सुरों को जो पकड़ा है इन्होंने और जो कंपोजिशन है उसके अंदर बहुत ये होना चाहिए सिंगर में। आपको आशीर्वाद मिल गया उधर से। ये मेरे दिल की बात है, वो दिल में ना रह जाए मेरे, उसको बता दो। दा दा रा रा रा, ये ऐसा ये प्लीज। दा रा रा रा, क्रोमैटिक नोट। दा रा रा रा, लीजिए क्रोमैटिक। दा 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 रा, किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को झलक दे दे के चुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के कट, उम्मीदों के तरा दा तरा, उम्मीदों के हाँ, लेकिन उसमें प्यार चाहिए। उम्मीदों के डंडे गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। क्या बात है भैरव भाई, ये दिल तुम, ये ना, ये दिल तुम बिन, ये दिल तुम बिन, ये क्या बात। ओहो, ये जो सीखने मिल रहा है ना शिवम, ओह इमोशनल हो गए। क्या हुआ, हो गया भाई, क्या हुआ भाई? ओ आज का ये जो दिन है ना, ये बहुत स्पेशल दिन है सभी सिंगर्स, सभी सिंगर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए। हम लता जी के म्यूजिक को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसीलिए शिवम काफी इमोशनल हो गए हैं। ये है बड़ा असली बंदा, ये बहुत रियल जज्बात है ये। तो विशु जी, मेरे भी दिल में कोई जज्बात उमड़ रहे हैं, क्या मैं भी अपनी जो इमोशन है प्रकट कर सकता हूँ? सर प्रकट कीजिए सर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ओहो हो क्या ओ, गाना था, किशोर दा ने गाया था। ओ जाए चार आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, क्या बात है, क्या बात है। नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरा तू
अब वो जो उस अयोध्या से है जहां आज संगीत की देवी लता जी को सम्मानित करने के लिए उनके नाम का चौक और उस पर 40 फीट की वीणा बनाई गई है। ऋषि सिंह
अब वो बेटी जो बिछा देना चाहती है अपने पापा के कदमों पर दुनिया का हर जॉय, देवोश्मिता रॉय। आदि भैया, कल मेरा एक सपना आया, उसमें मैं देखा लता जी मेरा सर पे हाथ रख के ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। तो अरे देवोश्मिता, ओ आई थिंक द होल वर्ल्ड, पूरे भारत में ऐसा कोई आँखें नहीं थी जो नम नहीं थी। और देवोश्मिता, जिनके सामने गा रही हो, जिनकी जिक्र हो रहा है, इस मंच पे आज कुछ जादू है, तुमको लग रहा है ना? और जो सपने में आया था वो सच ही है, वो आज सर पे हाथ है तुम्हारे ऊपर। तो आज बिल्कुल एक भी आंसू मत बहाओ, क्योंकि तुम्हें गाना है, बहुत अच्छे से गाना है। Peace.
आई एम सो लकी कि उस जमाने में हम लोग काम भी करते थे एज ए कंपोजर, लेकिन मदन मोहन जी के साथ और कुछ लोग चित्रगुप्त जी अन्ना साहब का काम करते थे, तो ये गाना हम बजा रहे हैं तो मैं ठीक से नहीं बजा रहा उसको, दरा तो मैं गया तो मदन जी सुना रहे मुझे, हाँ तुम लिख लो ठीक से, तो उनका क्या था कि वो हमेशा थोड़ा थोड़ा चेंज गाते थे, एक एक जैसे गाते थे, तो अब लग जा गले के फिर अलग थोड़ा करते थे, तो इन्होंने कहा दीदी ने पहले तुम बैठ जाओ, बैठो इधर, बैठ गया मैं, फिर थोड़ी देर के बाद में आओ जरा लिख लो, मुझे अभी तक याद है ये हरकत, ये मुर्गियाँ इस गाने की याद है, और मदन मोहन जी क्या तारीफ करूँ उनकी मैं, हमें कोई लायक नहीं उनकी। माय माइंड इज ब्लोन, मदन मोहन साहब के गाने में जो पीसेस हम सुन रहे हैं वो बजाए हैं लक्ष्मीकांत साहब और प्यारेलाल साहब ने। क्या बोलूं, क्या तारीफ करूं आपकी, तारीफ उस खुदा की जितने आपको बनाया। मैं एक जुर्रत करना चाहता हूँ, अगर प्यारे भाई मुझे इजाज़त देंगे और श्रेया मुझे इजाज़त देंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्रेया से कि आपके साथ में गाएं ये गाना, इफ़ यू डोंट माइंड, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, नो यू नो आई मीन इट, जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं। हम आपको कहते हैं बिकॉज वो हमको कह रहे हैं कि श्रेया तुमने मौसम बदल दिया। सो स्वीट, आई एम सो ऑनर्ड, यू आर टू काइंड, एचआर आई लव यू, विश यू आई लव यू, क्या बात है। तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, चिराग कोतवाल।
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और दीदी का आशीर्वाद है मैं पर, बहुत बहुत आशीर्वाद है। एंड थैंक यू सो मच, आपने बहुत बहुत अच्छा गाया, अच्छा लगा, वेरी वेरी। जीतू जी, वेरी फाइन, फाइन प्लेइंग, थैंक यू। देखिए आप लोग को याद होगा या नहीं याद होगा, ये गाना मैंने फर्स्ट टाइम यहीं पे बजाया था वाले ने। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, सोनाक्षी कर। Thank you.
क्या बताऊँ मैं देख रहा हूँ उनको इस गाने के वक्त कैसे वो कर रही थी और जो गाया था इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम कहने का अंदाज सत्यम शिवम सुंदर और कनेक्ट कर रही थी उन्होंने कनेक्ट किया था सत्यम शिवम सुंदर 1 2 3 4 कंडक्ट किया गाते 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 पूरे ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट किया है लता जी ने ये कह रहे हैं प्यारे भाई अनबिलीवेबल ये गाना बहुत बड़ा गाना है इस गाने को मतलब गाने के लिए ना मतलब बहुत तपस्या करनी पड़ती है
इसको गाने की हिम्मत जुटाने के लिए बहुत महीने लग जाते हैं, तो इसको निभाने के लिए जो तुमने एफर्ट लिया और जो हिम्मत जुटाई और जो गाया, क्या गाया सोनाक्षी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. मुझे लग रहा है कि हम लोग दिल से तुम्हें कहना चाहते हैं कि तुमने मौसम बदल दिया. और अब आ रहे हैं ऋषि और विदिप्ता. बरस की मैं 16 बरस की, तुम्हें 17 बरस का. 16 जजेस, ये एक नॉन कंपेटिटिव एक्ट था. थैंक यू सो मच सर. क्या बात है, जैसे ही आपने शुरू किया. ये देखा आपने? जी मैं देख रहा था. जी वही मैं यहाँ पे, सोलह और सत्रह का अलग ही किस्सा चल रहा है. श्रेया का और इसका भी चल रहा था ना. हिमेश, तुम लोगों को छोड़ोगे दोनों का? हम लोगों की रील्स बन रही थी. हम लोग रील पे रील बनाए जा रहे थे. अच्छा, इसको कहते हैं रील और ये है रियल. ओके, एंड दिस इज इवन मोर रियल. इससे रियल हो नहीं सकता. श्रेया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी लता जी के साथ पहली मुलाकात कैसे हुई? मेरी पहली मुलाकात तो
जैसे कह रहे ना, वो मुलाकात नहीं होती, वो दर्शन होता है. क्या बात. तो मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए उनके ही स्टूडियो में, स्वरलता स्टूडियो में. मैं बहुत अक्सर जाया करती थी उस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स करने के लिए. तो मैं अपर फ्लोर पे कुछ गाना रिकॉर्ड कर रही थी और मुझे सडनली मेरा सब रिकॉर्डिंग वाले जितने इंजीनियर्स थे सब ने बंद बंद करके मुझे बोला आप आ जाओ, बाहर आ जाओ. तो मैंने कहा क्या हो गया, कुछ गलत गा रही हूँ, गड़बड़ हो गई, क्या है. मैं आई तो आके नीचे जाइए, नीचे जाइए जल्दी जल्दी, इट्स अ सरप्राइज़ फॉर यू. तो वो लॉबी में एक सफ़ेद साड़ी, डायमंड्स, झलमल झलमल झलमल, कान में एकदम, इधर हाथ में, और एक स्माइल. मैं तो मतलब शायद वहाँ पे मैं गिर नहीं गई, वो बहुत बड़ी बात है. आई डोंट थिंक मैंने कहीं एक भी करेक्ट शब्द उधर मैंने उच्चारण किए होंगे. मुझे पता नहीं था क्या बोलना चाहिए उनके सामने. वही होता है व्हेन यू मीट समवन यू एडोर सो मच. बट उन्होंने मेरे साथ बात की और मैं बहुत नई नई थी उस वक्त. मेरी एक दो पिक्चरें ही उसके फिल्मों के गाने आए थे, बट उनको मेरे सारे गाने पता थे. उन्होंने ये कहा कि तुम जब दूसरे लैंग्वेजेस में गाती हो, भाषाओं में गाती हो, बहुत अच्छा गा रही हो, बट तुम जब बंगला गाती हो तुम्हारे मैं समझ जाती हूँ तुम प्रवासी बंगाली हो. कि मेरा वो जो थोड़ा बांग्ला करेक्ट एकदम कोलकाता वाला बांग्ला नहीं है. मैं तो कि इतनी अच्छे से उन्होंने मुझे सुना है ये सोच के ही मैं तो पागल हो गई. आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुझे उन्होंने इतना प्यार दिया, अपने दिल में रखा, मुझे याद किया उन्होंने. जब भी मैंने गाने सुने हैं उन्होंने याद किया मुझे. मैं बहुत बहुत लकी. और अब आ रहे हैं नवदीप वडाली. चुपके
ग्रेट ग्रेट बहुत क्या क्या कहना है इनका अंदाज कहने का अंदाज और क्या क्या चीजें बहुत थैंक यू. ये गाना मैंने इतने बार सुना हुआ है. ये बिल्कुल ही अलग तरीके की पेशकश थी और मुझे इतना मजा आया. आपने इसको अपना लिया. थैंक यू मैम. अपना लिया. थैंक यू मैम. थैंक यू. एक और बात मुझे वाकया याद आता है कि मैंने कहीं अंकल से भी सुना था, कल्याण जी अंकल से, और बाद में एक इंटरव्यू भी में मैंने सुना. तो लता जी को कभी दिलीप कुमार साहब ने ये बात कह दी थी. शी वॉज ट्रैवलिंग और उनको एक बात उन्होंने कह दी थी कि लता तुम्हारे गायकी में तुम्हारा एक्सेंट आता है. तुम जब हिंदी गा रही हो तुम्हारा मराठी एक्सेंट आता है. तो कहीं ना कहीं उनको दिल पर बात बहुत लग गई थी और उन्होंने अपने लिए एक उर्दू टीचर रखा और उन्होंने बकायदा उर्दू सीखी, भाषा सीखी. wow. और आप कभी उनका डिक्शन इधर से उधर नहीं देखेंगे. कभी नुक्ता इधर का उधर नहीं गया. बिल्कुल. है करीब नहीं बोला उन्होंने, हमेशा करीब बोला है. क में नुक्ता आया है. वो है जरा उसमें है पे बिंदी, मतलब आप मिस नहीं कर सकते. हम कभी वो है जरा गा देते हैं. वो है जरा खफा खफा. क्या बात. है जरा खफा खफा. हम सीखते हैं, यही हमारा टेक्स्ट बुक है. हमने सीखा सब कुछ इनको ही ऑब्जर्व कर करके. ये डेडिकेशन लता जी की, वन एंड ओनली लता मंगेशकर जी.
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.